हाइफा की खास बात यही है कि जो लोग इकट्ठा नहीं दिखते वो साथ में दिख जाते हैं, लेकिन हम लोग तो हमेशा इकट्ठा होते हैं। बट आई एम सो हैप्पी दैट 20 साल बाद हाइफा इंडिया आ रहा है, और हाइफा की जर्नी जो लंदन से शुरू हुई थी 20 साल बाद आज मुंबई में आई है। आगे आई एम श्योर द जर्नी विल बी ग्लोरियस, बट दिस 20 ईयर्स हैव बीन फैबुलस। वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इलस्ट्रियस जर्नी, एंड आई एम हैप्पी कि इसमें से 6 साल मैंने हाइफा होस्ट किया था, सो आई हैव अ ग्रेट कनेक्शन टू दिस अवार्ड्स। Very excited, very very excited to see Ritesh. It seems very very new, and I can't wait to see. मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि एक विलन के बाद फिर से विलन की भूमिका कर रहा हूँ, और थोड़ा वर्टिकली चैलेंज हूँ, 3 फुट का हूँ, सो दैट्स एक्साइटिंग। अभी एक हफ्ते में प्रोमो आएगा बाहर, तो आप प्रोमो देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा पिक्चर में हो क्या रहा है। Soon, I hope there's something exciting that I get offered. But right now, there's nothing on the card. So, yeah. बिल्कुल, हमेशा। I love Marathi cinema, और planning to produce few more. So hopefully, in the next year, I'll announce. टिकट्स, इलेक्शन की टिकट मिल रहे हैं। फिलहाल मैं मूवी थिएटर में पिक्चर की टिकट निकालने वाला हूँ।